एक तरफ जहां जापान की बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है और इसकी तर्ज पर कई अन्य देश भी अपने यहां शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर को पढ़ने के बाद आप हिल जाएंगे। जी हां, जापान के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि बुलेट ट्रेन शिनकानसेन में एक दरार पाई गई थी, जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतर सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ये इस तरह की जापान बुलेट ट्रेन की पहली घटना है। सोमवार को जब दक्षिणी जापान के एक स्टेशन के बाहर लगाई गई, तो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन में सवार यात्रियों ने कुछ चीजें जलने की गंध आने और अजीब सी आवाज सुनाई देने की शिकायत की। ट्रेन को सेंट्रल जापान में नागोया स्टेशन के बाद रोका गया और जब उसकी जाँच की गयी तो चेसिस में बड़ी दरार देखी गयी और उसका तेल भी लीक कर रहा था। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक अगर ये ट्रेन इसी तरीके से चल रही होती तो पटरी से उतरने के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस ट्रेन के अंदर करीब 1000 से ज्यादा लोग सवार थे और वे सभी सुरक्षित लोगों ने दूसरे ट्रेन से अपनी आगे की यात्रा की। जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के अधिकारियों ने कहा, हम इसे एक बड़ी घटना मानते हैं क्योंकि ये एक असामान्य मामला है, इसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता है। टीम इंडिलिंक्स।